एनिमल्स और प्लांट्स आ चुके थे। ह्यूमन का आगाज 6 मिलियन साल पहले हुआ। हम एप्स के साथ मिलते जुलते थे और एप्स इस धरती पर अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन साल पहले आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बर्थ हमें ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत आगे ले गया। इस शब्द का अर्थ लेटिन से समझ आया, जिसका मतलब था सदरन एप। ये स्पीसीज 5.5 मिलियन से 1.5 मिलियन पुराने हैं। ये लोग पोर्ट बैलेड और बाइपेडल थे, यानी ये दो टांगों पे चल पाते थे। इनका ब्रेन केस दोस्तों 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इन प्राणियों को हम प्रोटो ह्यूमन कहते हैं, क्योंकि इनके बाद शुरू हुआ किस्सा ह्यूमन एवोल्यूशन की लाइन का। चलिए नजर डालते हैं होमिनिड लाइन ऑफ एवोल्यूशन पर। पहले इंपॉर्टेंट ह्यूमन थे होमो हैबिलिस। ये दोस्तों ईस्टर्न और सदरन अफ्रीका में रहते थे। समय की बात करें तो ये 2 से 1.5 मिलियन साल पुराने हैं। इनको समझे तो पता लगता है कि होमो हैबिलिस का मतलब था स्किलफुल और हैंडीमैन। ये वही लोग हैं जो स्टोन को तोड़ते थे और उसके टूल्स बनाते थे। इनका ब्रेन केस इंक्रीज होकर 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। दूसरे ह्यूमन थे होमो इरेक्टस। इनका मेजर टूल था हैंड एक्स। ये दोस्तों वे लोग हैं जिन्होंने फायर की खोज की और उस आग को इस्तेमाल किया अपने आप को वार्म रखने के लिए कोल्ड क्लाइमेट में। होमो हैबिलिस के मुकाबले ये लोग ज्यादा ट्रेवल करते थे, क्योंकि हमें इनके बोन्स चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से भी प्राप्त हुए हैं। इनका ब्रेन केस दोस्तों 800 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। तीसरे नंबर पर आते हैं होमो सेपियंस। इनका अर्थ है वाइस मैन। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस से शुरू हुई। ये लोग 230K साल पुराने हैं। ये छोटे छोटे लोग थे और इनका फोरहेड काफी छोटा था। अगर इनके ब्रेन केस की बात करें तो वह 1200 से 1800 सेंटीमीटर का था। इन लोगों के अवशेष हमें यूरोप में भी मिले हैं। अब हमारे पास आखिरी है फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन, जिनको नाम दिया होमो सेपियंस सेपियन। ये लोग 1 लाख साल पुराने हैं। ये लेट स्टोन एज के हैं, जिस समय को हम अपर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं।
ये इंडिया में 6 लाख साल से पुराना नहीं है। ये बात हम महाराष्ट्र की बोरी की साइट को देखकर कह सकते हैं। उस समय लोग हैंड एक्स, क्लीवर और चोपर का इस्तेमाल करते थे। ये सारे औजार वेस्टर्न एशिया और यूरोप में भी मिले हैं। वह उन्हें डिगिंग, चॉपिंग और स्किनिंग जैसे काम में इस्तेमाल करते थे। ये लोअर पैलियोलिथिक साइट हमें वैलीज में मिलती थी, जैसे सोन इन पंजाब। ये लोग अधिकतर फूड गैदरर्स होते थे। आगे बात करेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज की। ये लोग फ्लेक्स और स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन यूज करते थे। एरिया के साथ हमें इनमें वेरिएशन देखने को मिलती थी। प्लांट्स की कल्टीवेशन भी दोस्तों सांबर में शुरू हुई थी, जो कि राजस्थान में है और हमें मेसोलिथिक कल्चर के बारे में बताती है। नेक्स्ट है आर्ट इन द ओल्ड स्टोन एज। दोस्तों ये पेंटिंग करते थे और इसका भी प्रमाण हमें मिला है भिम्बेटका मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 500 पेंटेड रॉक शेल्टर हैं, जो कि 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। स्टोन के ऊपर बहुत सारे जानवर और पक्षी बने हुए थे और हम इससे ये समझ पाते हैं कि उस समय में लोग हंटिंग करते थे।
नियोलिथिक कल्चर के बारे में।